हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आर अबाउट नो के साथ। यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। नाउ चलिए कुछ कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस, वी वॉन्ट टू ऑफर ए स्पिरिचुअल प्रोसेस टू एवरी ह्यूमन बींग्स ऑन द प्लैनेट, ए कंसिक्वेंट प्लैनेट, द वे फॉरवर्ड बाय सदगुरु। इसका मीनिंग ये निकलता है कि बिना भेदभाव के बिना हम लोग किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जो जैसा है उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हमेशा हम लोग जेंडर बायस को फोकस करते हैं कि वी आर वुमेन्स, यू आर मेल एंड थर्ड पार्टी इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड लीजिए और इस बारे में सोचिए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग फॉर दिस सेंटेंस। एडम हैरी इन शॉर्ट बायोग्राफी। चलिए एडम हैरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये ट्रांसजेंडर है, आप लोग को पता ही है ट्रांसजेंडर। हम लोग के घर के आसपास या आप लोग के घर के आसपास कोई भी ट्रांसजेंडर पास होता है तो हम लोग बहुत अजीब रिएक्ट करते हैं। इवन हम लोग उन लोग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इवन आर्टिकल 377 पास होने के बावजूद भी हम लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही इनको रिस्पेक्ट देते हैं। हमेशा इनको गाली और अजीब अजीब बातें बोलते रहते हैं, जैसे ये लोग इंसान नहीं एलियन है। केरला गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बियर द ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड एडम हैरी टू हेल्प हिम बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पायलट बनने वाले हैं। ठीक है, यदि इन्होंने गिव अप कर दिया होता ना तो आज इनकी बातें हम नहीं कर रहते हैं। चलिए, और ये मीडिया में कैसे आए? इन्होंने एक रिपोर्ट, मतलब इन्होंने एक ANI चैनल में अपने बारे में बताया था। ठीक है, कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मेरे पास एक साल प्राइवेट लाइसेंस है। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका में एक प्राइवेट लाइसेंस, पायलट प्राइवेट लाइसेंस का ट्रेनिंग किया था, जब तक इनके फैमिली को इनके बारे में पता नहीं था। जब इनके फैमिली को इनके बारे में पता चला ना कि ये ट्रांसजेंडर है, तो फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ तक नहीं, इनको मेंटली फिजिकली दोनों तरह से टॉर्चर करते थे। और हमारा समाज के बारे में क्या बोलूँ। ठीक है, चलिए। और एक दिन मौका मिला और ये अपने घर को छोड़ के भाग गए। ठीक है, घर से तो भाग गए, ना पॉकेट में पैसा है, ना ही खाने के कुछ और, ना रहने के लिए कुछ और ऊपर से ट्रांसजेंडर। आपको पता ही है हम लोग ट्रांसजेंडर को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी थोड़ी अजीब सी चल रही थी, कठिन से कठिन चल रही थी। और कभी ये रेलवे पटरी में सो जाते थे, कहीं कहीं और कहीं मांग के खाते थे। इसी बीच इन्होंने कुछ छोटा मोटा जॉब भी किया। एक तो जूस के दुकान में शॉप में काम करते थे अपना पेट पालने के लिए। और इन्होंने अपने जैसे लोगों से भी मिला, बट इनकी थिंकिंग जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना कि ये कभी गिव अप ही नहीं की। इसके कारण इन्होंने एक एकेडमिक में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट इनके जो जेंडर के कारण इनको अच्छी इनकम नहीं मिलती थी। हर लोग क्रिटिसाइज करते थे, हर लोग उंगली करते थे, हर लोग इनको देख के कमेंट करते थे। ठीक है, चलिए। इसी बीच इनके पास एक कॉल आया कि यदि आप अच्छा जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा जॉब करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने इस बारे में सोचा और कॉन्टैक्ट किया
सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं और उन्होंने एडवाइस दिया। इन्होंने बताया कि मेरे पास पायलट प्राइवेट लाइसेंस है। उन्होंने बोला कि आपको एकेडमिक ज्वाइन कर लो, लेकिन उसमें खर्चा आपको 22 से 23 लाख होगा। बट इन्होंने तो घर छोड़ दिया था, ना ही इनके पास उतना पैसा ना कुछ और। तो उन्होंने एक और एडवाइस दिया कि आप ट्रांसजेंडर में डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, वहाँ अपने प्रॉब्लम के बारे में बताओ। देन इसी बीच केरला गवर्नमेंट के कानों में ये बात पहुँचा। देन केरला करने के लिए तैयार हो गए, केरला गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए रेडी हो गए कि करने के लिए तैयार हो गए। देन इन्होंने फिर क्या किया, ये ज्वाइन कर लिए राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक छोटा सा बायोग्राफी नहीं, एक मोटिवेशनल स्पीच भी है। और इसलिए लाइफ में कभी गिव अप मत कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस कीजिए, आगे बढ़िए। यदि इससे अच्छा लाइफ में कोई स्टोरी भी है तो आप कमेंट कर सकते हो। बट इसके बीच में यदि एवरी पेन, ठीक है, एवरी पेन बोलो या एवरी प्रॉब्लम बोलो, ये हमेशा आपको ना नया नया लाइफ में ना कुछ करने का डिफरेंट जरिया बनाते हैं, ठीक है, बट आप इसको देखा जाए तो। और इसी बीच में एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, सोचने के लिए तो लोग हैं, करने के लिए तुम सिर्फ अपने लिए बनो ना। सोचने के लिए लोग हैं, करने के लिए तुम बनो ना, क्योंकि तुम काफ़ी हो अपने लिए, क्यों दूसरे पे डिपेंड करो ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कुछ डाउट है या कुछ बताना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय।